हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी, सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी, सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका गुरु नीति 180 वर्सेज 180 श्रृंखला में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला आपके लिए है सीएलसी की। और आप समझ रहे हैं बेटा कि आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम 7। बिल्कुल, और इस प्लांट किंगडम 7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यानी बेटा आप समझ सकते हैं कि किंगडम प्लांटी, जिसके डिवीजन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और अपन उनको समृद्ध रूप से कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। बिल्कुल, स्पर्मेटोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड बनते हैं। बिल्कुल, स्पर्मेटोफाइटा यानी बीजधारी पादप। बिल्कुल, यानी ए प्लांट ग्रुप, सीड बियरिंग प्लांट ग्रुप, जो बीज धारण करते हैं। और बेटा आप समझ सकते हैं कि स्पर्मेटोफाइटा के अंदर ये जो दो डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, मतलब ये दो ही ऐसे डिवीजन हैं जिनमें सीड बनते हैं। बिल्कुल, एंजियोस्पर्म। तो वास्तविक जो बीज प्रकृति होती है, ट्रू सीड नेचर जो होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होती है। और ये फेनरोगैम्स भी है। बिल्कुल भाई, इनके सेक्स ऑर्गन इजीली विजिबल है नेक्ड आई से, नग नाकों से इनके सेक्स ऑर्गन को अपन देख सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसका मतलब आप समझते हैं बेटा कि दोनों में देखो स्पर्म, स्पर्म वर्ड है, स्पर्म मीन सीड होता है, तो ये तो कॉमन चीज है कि ओव्यूल और सीड, ओव्यूल और सीड यहां दोनों में प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल और सीड। मतलब जो ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बन जाएगा। बिल्कुल, बस फर्क ये है बेटा कि आप समझ सकते हो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवरी वॉल एब्सेंट होती है, तो नेक्ड सीड, नेक्ड ओव्यूल होता है, नग्न बीजांड होता है, तो नेक्ड सीड होगा, और वहां आप जानते हैं कि ओवरी वॉल प्रेजेंट होगी। बिल्कुल, तो ओव्यूल कवर्ड हो गया, कवर्ड हो गए वहां पे, और फिर आप जानते हैं कि फ्रूट के इनसाइड से सीड होते हैं, तो पेरिकार्प वहां पे बन जाता है। बिल्कुल, क्या बन जाती है? पेरिकार्प। क्लियर? तो अपन इसलिए अपन इनको कहते हैं जिम्नो। जिम्नो का मीन क्या होता है? नेक्ड। जिम्नो का मीन होता है नेक्ड, नग्न। और स्पर्म, स्पर्म का मीन होता है सीड, सीड। तो आप समझ रहे हैं कि भी नेक्ड सीड, नग्न बीज। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्ड ओव्यूल अपन कहें। बिल्कुल, तो ये इनका जिम्नोस्पर्म का है, और वहां आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में कवर्ड है। बिल्कुल, क्लियर। तो स्पर्मेटोफाइटा का ये अपन डिस्कस यहां करेंगे, थोड़ा सा अपन जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं, इनका मैन प्लांट बॉडी, मैन प्लांट बॉडी आपका होता है स्पोरोफिटिक, यानी बीजाणुद्भिद। स्पोरोफिटिक इनका डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है, 2N स्पोरोफिटिक बीजाणुद्भिद। यानी आप समझ सकते हैं बेटा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, हाईली उच्च संगठित है। बिल्कुल, और इनका प्लांट बॉडी बिल्कुल 100% ट्रू रूट, रूट स्टेम और लीफ्स, यानी बिल्कुल सत्य प्रकार की जड़ तना पत्ती में विभेदित है। बिल्कुल, जड़ तना पत्ती में विभेदित है, और ट्रू इसलिए है क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं कि भी रूट स्टेम और लीव्स, तो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट है रूट स्टेम और लीव्स में। और आप अच्छे से समझ सकते हैं बेटा कि इनका जो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, उस संगठित है, डोमिनेंट है, और इनमें अल्टरनेट गैमेटोफिटिक आएगा, जो हाईली रिड्यूस आएगा, बिल्कुल अत्यधिक हासित आएगा, और वो गैमेटोफिटिक डिपेंड होगा स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट पर। यानी सीधी सी बात अपन कहें, बहुत अच्छा स्टेटमेंट या अच्छा क्वेश्चन आपका आता है, एनसेट ने कह रखा है कि ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा की तरह जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, इनका जो गैमेटोफाइटा युग्मोद्भिद है, वो फ्री लिविंग नहीं होता है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो स्वतंत्र निर्भर नहीं है, उसका मुक्त जीवी अस्तित्व नहीं होता है। और सबसे रिड्यूस टाइप का जो गैमेटोफाइट है वो इन जिम्नोस्पर्म में है, एंजियोस्पर्म में है। हाँ, सबसे ज्यादा रिड्यूस, फिर इससे भी आप जानते हैं एंजियो में आएगा। बिल्कुल, बात समझ रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कि जो गैमेटोफिटिक इनका आएगा अल्टरनेट, वो कुछ सेल्स का आएगा, केवल फ्यू सेल्स, और जो गैमेटोफाइट है वो 100% डिपेंड ऑन स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफिटिक पे डिपेंड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आप समझ रहे हैं। तो फिर देखो बेटा कि इनका जो प्लांट बॉडी है, तो रूट स्टेम लीव्स में, आप समझ सकते हैं, अपन अगर पहले जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनके अंदर जो रूट होगी, तो रूट का नेचर यहां पर होगा टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, यानी इनमें मूसला जड़ तंत्र की उपस्थिति होगी। टैप रूट मतलब ये जो रूट है वो रेडिकल से निकलती है। हाँ बिल्कुल, और आप समझ रहे हैं कि इनके अंदर जो स्टेम है, तो स्टेम भी आप जानते हैं कि जनरली इनका हैवी स्टेम होगा, अनब्रांच या ब्रांच। बिल्कुल, हाँ, जो साइकस है उसमें अनब्रांच स्टेम भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, पाइनस में क्या होता है, ब्रांच होता है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं कि लीव्स, जो पत्तियां होती है,
तो लीव जिन में आप जानते हैं सिंपल सरल भी हो सकती है और कंपाउंड बिल्कुल जो संयुक्त भी हो सकती है, जिनमें जैसे साइकस में अपन बात करें पिन्नेटली कंपाउंड पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां होती है। यस, तो रूट स्टेम लीव्स ये मेन प्लांट बॉडी हो गया। क्लियर। अब अपन बात करते हैं बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म है वो मोस्ट ऑफ ट्री नेचर के हैं, वृक्ष प्रकृति, उन्हें मीडियम साइज ट्री या टाल ट्री जैसे सिकुआ जिसको आप रेडवुड ट्री कहते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट, फादर ऑफ फॉरेस्ट बिल्कुल लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और तो जिम्नोस्पर्म में कभी भी हर्ब नहीं आते, हाँ शर्ब आते हैं और ट्री आते हैं। मेनली आप जानते हैं कि ट्री नेचर ही इनके बिल्कुल मीडियम साइज हो सकता है 20-30 मीटर या 100 मीटर तक टॉल हो सकता है, बिल्कुल आप बड़ा हो सकता है, वृक्ष प्रकृति होती है। जो झाड़ी प्रकृति होती है सर्व नेचर होती है, वो भी कुछ एक आधे एक्सेप्शन है, निट्टम वेलवेसिया जो निट्टल ऑर्डर के आएंगे, बाकी आप जानते हैं ऑलमोस्ट ट्री होते हैं। तो जब ट्री नेचर होती है तो उनमें टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम बिल्कुल है ना, और कुछ मॉडिफिकेशन या अपन बात करें कुछ अदर फॉर्म भी पाई जाती है, जैसे आप जानते हैं कि पाइनस में जो रूट्स हैं वो फंगल एसोसिएशन शो करती हैं, माइकोराइजा एसोसिएशन, तो आप जानते हैं कि माइकोराइजा एसोसिएशन, और साइकस में आप जानते हैं कि ऐसे जो रूट सिस्टम होता है तो यहाँ से ब्रांचिंग होगी, और ब्रांचिंग होगी तो ये स्पेशलाइज जो रूट्स होती हैं ये बाहर आ जाएंगी, और इसको आप कहते हैं यहाँ पर कोरेलॉइड रूट्स होंगी, कोरेलॉइड रूट्स बिल्कुल, जो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन शो करती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करती है बिल्कुल, एनाबिना या नोस्टॉक, तो एनाबिना साइकेडी, तो आप समझे कोरेलॉइड रूट जो एंड टू फिक्सेशन परफॉर्म करती है, एंड टू फिक्सेशन। तो ये रूट की बात होगी। स्टेम आप जानते हो, मैंने आपको बताया कि अनब्रांच साइकस में बिल्कुल बिल्कुल सिलेंड्रिकल स्टेम होगा, अनब्रांच आपका स्टेम होगा वो, जैसे अपन बात कर लेते हैं स्टेम की, तो साइकस में सिलेंड्रिकल ऐसे अनब्रांच्ड स्टेम होगा, अनब्रांच स्टेम होगा, और ये टैप रूट सिस्टम आपका हो गया। तो अनब्रांच स्टेम, और यहाँ पे आप जानते हैं कि लीव्स का क्राउन वहां पे हो सकता है बिल्कुल, तो ये आप जानते हैं बेटा कि स्यूडो पाम है बिल्कुल, पाम ट्रीज की तरह। क्लियर। और पाइनस में आप जानते हैं कि स्टेम की ब्रांचिंग होती है, ब्रांच स्टेम होता है, ब्रांच स्टेम होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं लार्ज ऐसे आपकी होती जाती है, और ये ऐसे ब्रांचिंग होती है, तो ये मतलब कॉनिफर्स टाइप आपके होते हैं, कॉनिफर्स टाइप जो होते हैं वो आपके होते हैं पाइनस में। जब पाइनस को हम देखते हैं तो शंकुनुमा कोन लाइक स्ट्रक्चर अपने दिखाई देते हैं बिल्कुल बिल्कुल। लीव जो आपको मैंने बताया सिंपल या पिन्नेट हो सकती है, दोनों टाइप की हो सकती है हाँ। उसके पश्चात आप देखिएगा बेटा कि यहाँ अपन बात करते हैं कि ये सारे इनके जो वेजिटेटिव पार्ट हो गए। अब आप जानते हैं कि रूट स्टेम जो कायिक वृद्धि के बाद, जैसे एंजियोस्पर्म में फ्लावर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इनमें फ्लावर स्ट्रक्चर तो नहीं मिलेंगे, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, कौन कौन इनमें अपेयर होते हैं, यानी स्पोरोफिल्स का कॉम्पैक्ट बहुत ही सहत रूप जो आपका प्रकट होता है उनको आप कहते हैं कौन। तो आप जानते हैं कि जैसे इनमें मेल फ्लावर की तरह आपका आता है मेल कौन, और फीमेल फ्लावर की तरह क्या आता है फीमेल कौन। भाई स्पोरोफिल का मतलब है कि ऐसी लीफ जिस पर स्पोरंजिया होती है, और वो स्पोरोफिल अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में है जुड़ी हुई है तो उसको कौन बोलते हैं, लैक्स स्ट्रोबिलाई कौन, यहाँ कौन आ जाता है। तो ये मेल कौन मेल फ्लावर के एनालॉगस होता है, फीमेल कौन फीमेल फ्लावर के एनालॉगस होता है। वही बात, जैसे मेल कौन की इकाई जो होती है माइक्रोस्पोरोफिल होती है, लघु बीजाणु प्रण, फीमेल कौन की आपकी क्या होती है मेगास्पोरोफिल होती है। तो माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणु प्रण, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल या मैक्रोस्पोरोफिल पर बात करते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अपन जो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल अपन बड़ी यूज कर रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल जो इनकी यूनिट है, जैसे माइक्रोस्पोरोफिल किसके तुल्य, स्टेमन के तुल्य होती है, एनालॉगस टू स्टेमन, और मेगा स्पोरोफिल एनालॉगस टू कार्पल बिल्कुल। फिर इनमें आप जानते हैं स्पोरेंजिया होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया, उनके अंदर आपकी स्पोर मदर सेल, तो स्पोरिक म्यूसिस होगा, तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बिल्कुल, और माइक्रोस्पोर से फॉर्म होगा मेल गैमेटोफाइट बिल्कुल, रिड्यूस पोलन ग्रेन के फॉर्म में, और आप जानते हैं कि मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बिल्कुल, और फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म जिसमें आप समझ सकते हैं कि आर्किगोनिया डिफरेंशिएट होती है, और वही जो पोलिनेशन होगा आप समझ सकते हैं इनके अंदर जो ओव्यूल होता है ना, फिर ऐसे अपराइट होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, तो इस फॉर्म में यहाँ पर ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पोलन चैम्बर होता है, तो पोलिनेशन डायरेक्ट यहाँ होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट होती है आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया एक से ज्यादा होती है, इसलिए पोलिप्रेरी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ जिस टाइप से पोलन ट्यूब बनेगी या वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा। तो ये कुछ बातें थी, जनरल बातें थी, बाकी आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म जीरोफाइटिक नेचर, मरुद्भिद प्रकृति प्रदर्शित करते हैं,
क्योंकि इनकी जो लीव जैसे पाइनस में तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के प्रति अडेप्ट हैं, बिल्कुल हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड के प्रति, क्योंकि वो उनमें वो निडल सैप होती हैं, थिक क्यूटिकल होता है, स्टोमेटा होते हैं। बिल्कुल आप सीरीज में जाएं कि सबसे पहले आप जिम्नोस्पर्म के जनरल करेक्टर को डिफाइन करें, फिर इनकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स को डिफाइन करें, उनके मॉडिफिकेशंस की बात करें, फिर आप इन पर जो आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ कायिक वृद्धि के बाद जो इन पर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन के स्थल आ जाते हैं, मेल कोन क्या, फीमेल कोन क्या है, मेल कोन का स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल कोन का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी यूनिट क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल, फिर वहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो स्पोरोजेनेसिस होगा, तो माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से आप समझ सकते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट, और एंडोस्पर्म कोई वहाँ फीमेल गैमेटोफाइट अपन कहते हैं, और उसी से डिफरेंशिएट आपकी होती है आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया और वो सारे स्ट्रक्चर्स का बहुत अच्छे लेवल पर अगर आप स्टडी करें, और आर्किगोनिया का लास्ट ग्रुप क्या है, जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल, और इसके दो सब डिवीजन है साइकेडोफाइटा कोनिफेरोफाइटा, तो आप बिल्कुल फिर सारे स्ट्रक्चर्स को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ें, तो अपन आप क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर वन की बात अपन करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर वन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड, बिल्कुल, टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड इन कॉनिफर्स, व्हाट आर द जीरोफाइटिक कैरेक्टर, कि अनावृत बीजों की परण उस तापमान को सहन करने आर्द्रता वायु के प्रति अनुकूलित होती है, संकुधारी स्पेशली कॉनिफर्स में शुष्कोद्भिद के लक्षण है, मरुद्भिद कौन कौन से लक्षण है, बिल्कुल, तो आप जानते हैं कि पाइनस में स्पेशली जो कॉनिफेरल्स जो जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा ऑर्डर है, बिल्कुल लिविंग जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा ऑर्डर है, तो वहां लीफ निडिल लाइक सुई के आकार की होती है, निडिल लाइक लीफ सुई के समान प्रण होती है, उसके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है, और सनकेन स्टोमेटा यानी आप जानते हैं स्टोमेटा धसे हुए होते हैं, बिल्कुल एपिडर्मिस से नीचे धसे हुए होते हैं ताकि जो लाइट किसी से कॉन्टेक्ट में नहीं आए, बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी का आपकी लाइन्स है, बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका आंसर विल बी फोर, तो क्वेश्चन नंबर वन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। निडिल लाइक लीव्स है जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, जिम्नोस्पर्म ज्यादा टेम्परेट एरियाज में होते हैं, बिल्कुल, और टेम्परेट एरियाज में क्या होती है, बड़ा क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन होता है, तो वहां कभी मतलब जो प्रेशर एयर प्रेशर के अंतर के कारण कभी वहां तेज हवाएं चल जाती है, कभी आर्द्रता, कभी नमी, कभी बर्फबारी, तो मतलब टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो उस सब को सहन करने के लिए उनमें जीरोफाइटिक कैरेक्टर जो पाए जाते हैं, ये सारी बातें आपके सामने क्लियर है। तो अब आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोरालोइड रूट्स ऑफ साइकस हैज, साइकस की प्रवाल जड़े में क्या होता है, तो अपने को पता है कि जो साइकस प्लांट है, इस साइकस प्लांट के अंदर क्या कंडीशन होती है, ये अपने पास में होती है इसकी टैप रूट, ये जो यहाँ पे टैप रूट है, ये टैप रूट इस तरीके से एसोसिएशन शो करती है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में, और ये जो यहाँ पे प्लांट साइकस प्लांट है, इस साइकस प्लांट के अंदर ये जो रूट है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में एसोसिएशन शो करती है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरालोइड रूट। तो यहाँ पे कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी है जिससे शो करती है, ये अपने पास में यहाँ पे हो गया एनाबिना, तो यहाँ पे आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। भाई देखिएगा, अपन ने बताया बिल्कुल, अपन डिस्कस किया कि जो टैप रूट है, तो टैप रूट की यहाँ पर ब्रांचिंग होगी, ये आउटसाइड ऑफ इन अपवार्ड आ जाएंगी, ये आपकी कोरालोइड रूट हो गई, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भी जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया ये यहाँ पे आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गए, बिल्कुल एंटीफिक्सेशन फॉर्म कोरालोइड रूट। अब यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है मेनली एनाबिना, नोस्टॉक की स्पेसिफिक हो सकती है मेनली एनाबिना, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में अब एनाबिना भी दे दिया, नोस्टॉक भी दे दिया, एनाबिना नहीं होता तब आंसर नोस्टॉक, फिर आप समझ सकते हैं, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा एनाबिना, और कोरालोइड रूट का पाया जाना, ये कई बार नीट का क्वेश्चन है कि कोरालोइड रूट का प्रेजेंस किसका, साइकस का, साइकस है। अभी दो बातें ध्यान रखो, पाइनस में तो माइकोराइजा और साइकस में कोरालोइड, बिल्कुल। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कॉल्ड फादर ऑफ द फॉरेस्ट, सबसे अधिक लंबा अनावृत बीजी पौधा जिसे जंगल का पिता कहा जाता है, पाइनस, यूकेलिप्टस, सिकुआ एंड बेनियन ट्री, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिकुआ, इसको बोलते हैं अपन फादर ऑफ फॉरेस्ट, ये लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। हाँ बिल्कुल, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म आपने बताया 100 मीटर यानी 350 फीट का ये होता है, रेडवुड ट्री सिकुआ टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल है ना, और आप समझ सकते हैं, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव अनावृत बीजी पौधों में अनुपस्थित होते हैं, क्या अनुपस्थित होते हैं भाई,
जाइलम वेसल एंड सीव सेल। तो वेसल का होना ये करेक्टर किसका होता है? एंजियोस्पर्म का होता है। हाँ, सीव सेल इसमें पाई जाती है। ट्रेकिड्स एंड सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब का होना ये करेक्टर भी एंजियोस्पर्म का होता है। वेसल्स ये एंजियोस्पर्म में होती है, सीव ट्यूब एंजियोस्पर्म में होती है, कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म में होती है, ट्रेकिड्स एंड कंपेनियन सेल। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या नहीं पाया जाता, क्या उसमें अपसेट होता है? तो आंसर यहाँ पे हो गया थर्ड ऑप्शन, वेसल्स, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। बिल्कुल, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला गया। वैसे अपन बात करते हैं जनरली वेसल्स आर एब्सेंट, मैंने क्या कहा जनरली, बिल्कुल वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। तो ऑलमोस्ट जिम्नोस्पर्म में 95% जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट होती है। निटेल्स वगैरह में अगर देखें, एक ऑर्डर होता है निटेल, उसमें वेसल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है, क्लियर। लेकिन जनरली अपन एब्सेंट देंगे, बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूं मैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। अब यहां आप समझ सकते हो कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके फ्लोएम में, बिल्कुल, जो आप कंडक्टिंग एलिमेंट है, तो हां सीव ट्यूब के प्लेस पे होता है सीव सेल, और यहां एल्बुमिनस सेल, और यहां आपका होता है एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सेल, सीव सेल और एल्बुमिनस सेल, बिल्कुल। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा कि स्पेशली कंपेनियन सेल है ना बेटा, कंपेनियन सेल ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, बिल्कुल। कंपेनियन सेल कभी भी जिम्नो में कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, बिना किसी एक्सेप्शन के। कंपेनियन सेल ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, बिल्कुल, सहचर कोशिका, आप समझ रहे हैं। और आप इसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि देखो सीव ट्यूब भी कुछ एनजीओ में एब्सेंट हो सकती है, एनजीओ में, लेकिन कंपेनियन सेल किसी भी एनजीओ में, चाहे वो कितना भी प्रिमिटिव हो, आदिम हो, किसी भी एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल एब्सेंट नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। और अपन डिस्कस करते हैं कि भाई जिम्नोस्पर्म के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, बट जनरली जाइलम में वेसल्स नहीं है, और फ्लोएम में स्पेशली सीव ट्यूब के स्थान पे सीव सेल है, और कंपेनियन सेल बिल्कुल भी नहीं है। कंपेनियन सेल ओनली किसका कैरेक्टर है? एंजियोस्पर्म का, यूनिक कैरेक्टर है, बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड। हाँ, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म है, अधिकांश आवृतबीजी में होते हैं, बिल्कुल। देखो ना कि यहाँ सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड बातें दे रखी है, आप समझ रहे हैं कि मेल कोन फीमेल कोन यहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल। तो सीधी सी बात, एक आप ट्रिक याद करें कि देखो ना एंथ्रीडिया का जो लास्ट ग्रुप होता है, एंथ्रीडिया कुधनी, एंथ्रीडिया का जो लास्ट ग्रुप होता है ना, वो होता है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा के बाद में एंथ्रीडिया नहीं आएगा, बिल्कुल। तो टेरिडोफाइटा के बाद में एंथ्रीडिया नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन जो आर्किगोनिया का लास्ट ग्रुप है वो जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया होती है, हालांकि उसके आर्किगोनिया में ओनली एग सेल होती है, सबसे रिड्यूस आर्किगोनिया होती है, सबसे हासित आर्किगोनिया होती है, स्त्रीधानी, लेकिन लास्ट ग्रुप आपका क्या होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। तो यहाँ सीधा सा आपका है कि ओनली एंथ्रीडिया ये नहीं हो सकता, बोथ एंथ्रीडिया आर्किगोनिया नहीं हो सकता, आर्किगोनिया बट नो एंथ्रीडिया, ये करेक्ट आंसर आपका थर्ड है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, आर्किगोनिया इन जिम्नोस्पर्म प्लांट आर डेवलप फ्रॉम द फॉलोइंग टिश्यू, फ्रॉम फॉलोइंग टिश्यू, आवर्तबीजी पौधों में स्त्रीधानी निम्नलिखित में से किस ऊतक से विकसित होगा? तो यहाँ पूछ ले बेटा आपसे टिश्यू, क्लियर। तो देखिएगा कि क्या होता है, ओव्यूल होता है, और सीधा ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, बिल्कुल, जिम्नोस्पर्म में। तो आप समझ रहे बेटा कि ये ओव्यूल है, ये उसका इंटेग्रमेंट, ओव्यूल का जो मेन पार्ट होता है वो यहाँ पे आपका होता है न्यूसेलस टिश्यू, बीजांड का ऊतक, न्यूसेलस टिश्यू, ठीक है। इस न्यू सेलस की एक सिंगल सेल डिफरेंशिएट होगी, उस सिंगल सेल को आप कहोगे मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया से आपकी यहाँ डिफरेंशिएट होगी, न्यू सेलस से एक सेल आपकी एमएमसी, क्योंकि आप क्या कहते हैं मेगास्पोरेंजियम क्या होती है? इंट्यूगमेंटेड, जो आप समझ रहे हैं कि मेगास्पोरेंजियम ओयूल है, तो यहाँ जो न्यू सेलस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेगास्पोरेंजियम को, और न्यू सेलस की एक सेल डिफरेंशिएट होती है एमएमसी, मेगास्पोर, डिफरेंशिएट का मतलब न्यू सेलस की एक सेल थोड़ी साइज से बड़ी हो जाती है, तो आपका हो गया एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में आगे आपका होगा स्पोरिक मियोसिस, बिल्कुल, स्पोरिक मियोसिस, तो ये 2n है, डिप्लोइड है 2n, तो स्पोरिक मियोसिस जैसे ही होगा, स्पोरिक मियोसिस तो हैप्लोइड स्पोर बनेगा, स्पोर बन जाता है, मेगास्पोर, फोर बनते हैं लीनियर टेट्राड, बिल्कुल, तीन डिजेनरेट हो जाएंगे, फिर सिंगल मेगास्पोर रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर। तो फिर वो आप जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे 3 मेगास्पोर डिजेनरेटेड है ना माइक्रो, और ये फंक्शनल मेगास्पोर, बिल्कुल। फिर जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो ही डेवलप करता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, और उसी से फिर आप जानते हैं एंडोस्पर्म, उसी में आप जानते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट में एंडोस्पर्म आर्किगोनिया, बिल्कुल, जो आपकी डेवलप होती है आर्किगोनिया, बिल्कुल। तो यहाँ टिश्यू से पूछ लिया बेटा, तो स्पोरिक मियोसिस होता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है, फिर वो फंक्शनल मेगास्पोर आपका फीमेल गैमेटोफाइट
इन एंडोस्पर्म, और उसमें फिर आपकी डिफरेंस होती है आर्किगोनियम। बिल्कुल, तो उसी तरह आर्किगोनियम। तो यहाँ टिश्यू के बारे में पूछा है। हाँ, तो टिश्यू के बारे में पूछा है, तो यहाँ मैन यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। बिल्कुल, आंसर आपका न्यू सेलस ऑफ ओव्यूल हो जाएगा। फिर फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो न्यू सेलस से डेवलप हुए, मेगास्पोर से डेवलप हुए हैं, और उसके इनसाइड आपकी क्या है, आर्किगोनियम। क्लियर, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स आर अधिकांश अनावर्त बीजी कैसे होते हैं, जीरोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक, एपिफाइटिक या हेलोफाइटिक होते हैं। पता है कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स जो है उनमें जीरोफाइटिक कैरेक्टर होता है, मरुद्भिद होते हैं। शुरू में डिस्कस कर लिया कि जीरोफाइटिक नेचर, क्योंकि ये ट्री नेचर है। बिल्कुल, और आप जानते हैं टेम्परेट एरिया में, या जो अपन बात करें स्लोप होते हैं पहाड़ों के, जो ढलान होते हैं वहां होते हैं, वहां होते हैं। तो वहां क्या होता है, देखो बेटा कि जिम्नोस्पर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, कि ये जो जिम्नोस्पर्म, ये दोनों ही प्रकार की सुस्तता महसूस करते हैं, ड्राइनेस। बिल्कुल, एक तो होती है फिजिकल ड्राइनेस। फिजिकल ड्राइनेस का तो मीन होता है कि कहीं पे वाटर अवेलेबल ही नहीं है, पानी उपलब्ध ही नहीं है, तो वो आपकी होती है भौतिक सुस्तता, फिजिकल ड्राइनेस, वाटर ही नहीं है। एक आपकी होती है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, मतलब पानी होने के बावजूद भी वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। हाँ, तो ये कैसे होता है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, कि वाटर अवेलेबल है फिर भी उसमें जीरोफाइटिक कैरेक्टर है। बिल्कुल, तो या तो प्लांट क्या हो कि पर्वतों के ढलान पे हो, स्लोप पर होता है, तो स्लोप पे तो वहां पानी जल्दी नीचे आ जाएगा। बिल्कुल, और या फिर अपन कहते हैं कि भाई जैसे हेलोफाइट यानी लवणोद्भिद जल में हो, लेकिन ऐसा तो ये है नहीं, साल्ट कई बार ज्यादा हो जाता है। ये सारे ट्री नेचर के हैं, ये सारे किस नेचर के हैं, ट्री नेचर के हैं। तो ये दोनों ही फील करते हैं, फिजिकल ड्राइनेस भी और फिजियोलॉजिकल भी। बिल्कुल, क्लियर। और आप समझ सकते हैं कि वहां टेम्परेट एरिया के अंदर जो हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे है, तो वहां पर वायु भी अलग अलग वेग से चल सकती है, कभी आर्द्रता कभी नहीं, और आप जानते हैं वहां टेम्परेचर भी फ्लक्चुएशन करता है। बिल्कुल, तो इनके अंदर जीरोफाइटिक कैरेक्टर आपको बताया था, निडल लाइक लीफ, थिक क्यूटिकल, सनकेन स्टोमेटा, वो सारे प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म। तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे जो जिम्नोस पे बात की थी अपन ने, वो यहाँ पे हो गया अपना सिकुआ, सिकुआ। उसके बाद में है लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे हो गया सफेदा, मतलब यूकेलिप्टस। उसके बाद में है लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म, तो लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म यहाँ पे कौन सा है, अपन यहाँ पे कह सकते गिंगो, बायलोबा है। स्मॉलेस्ट लिविंग टेरिडोफाइटा, तो ये यहाँ पे अपने पास में कौन सा हो गया, एजोला। एजोला सबसे छोटा जलीय फर्न है। बिल्कुल, टेरिडोफाइटा तो फर्न है एजोला। बिल्कुल, स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न, क्लियर। तो ये आप समझ सकते हैं, और गिंगो बायलोबा का आपको डायग्राम एनसेट में दे रखा है, सिकुआ के बारे में आपको बता रखा है, राइनी अपन बता चुके हैं, वो आप समझ रहे हैं कि राइनी आपका टेरिडो में आएगा। यस बेटा, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा यहाँ पे, तो फर्स्ट ए में सेकंड, ए में सेकंड, बी में हो जाएगा फाइव, बी में फाइव आपका, तो बेटा बी में फाइव, फिर आप जानते हैं कि सी लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म, तो सी में फर्स्ट, तो आंसर विल बी फर्स्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। फेनेरोगैम्स इंक्लूड, फेनेरोगैम्स में क्या सम्मिलित है, अर्ली लैंड प्लांट, वैस्कुलर प्लांट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ऑल ऑफ दिस। तो फेनेरोगैम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बिल्कुल, सीड इनमें सीड का फॉर्मेशन होता है। वैस्कुलर प्लांट यहां पे नहीं आएगा, बिकॉज वैस्कुलर तो टेरिडोफाइटा भी होते हैं। बिल्कुल, और उनको अपन बोलते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। बिल्कुल, फेनेरोगैम्स आपके स्पर्मेटोफाइटा मात्र, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइटा। हां बिल्कुल, आपके वैस्कुलर फेनेरोगैम्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो स्पर्मेटोफाइटा होते हैं यानी सीड बियरिंग प्लांट, सीड प्रोड्यूसिंग, यानी ऐसे पादप जो बीज उत्पादन करते हैं, बीज धारण करते हैं। बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। द टर्म जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हैव द कॉमन एंडिंग स्पर्म्स, दिस इंडिकेट दैट बोथ ऑफ देम हैव अनावर्त बीजी, और आवर्त बीजी दोनों शब्दों के पीछे स्पर्म शब्द उभय है, कॉमन है, ये दर्शाता है। तो अपने को पता है कि स्पर्म का मतलब किससे होता है, सीड से होता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में यहाँ पे स्पर्म है, स्पर्म का मतलब सीड से है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो गया सीड। भाई सीधी सी बात, अपने शुरू में कॉमन बताया था बेटा, यहाँ आप स्पर्म का मतलब मेन स्पर्म यानी शुक्राणु से मत समझ लेना। हाँ, यहाँ स्पर्मेटोफाइटा से आया स्पर्म। बिल्कुल, तो स्पर्मेटोफाइटा में सीड बियरिंग, सीड बियरिंग। और मैंने आपसे कहा था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ओव्यूल और सीड का प्रेजेंस, बीजांड और बीज का पाया जाना कॉमन है। कॉमन है, बस ये कि यहाँ ओवरी वाल नहीं है, तो फ्रूट वाले पेरिकार्प नहीं बनेगा, तो नग्न बीजांड या नग्न बीज होंगे। और यहाँ आप जानते हैं कि लेकिन सीड और ओव्यूल दोनों में कॉमन है, जिम्नो और एंजियो दोनों में कॉमन है, तो आंसर विल बी
फोर्थ और यहाँ इनसे मतलब स्पर्म शुक्राणु का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। यस बेटा नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 व्हाई जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट बिकॉज़ आवास के आधार पर जिम्नोस्पर्म वितरण में विश्वव्यापी क्यों नहीं हो सकते हैं। एयर पोलिनेशन इज फाउंड इन देम वेसल्स आर एब्सेंट इन देयर जाइलम सीड्स आर नेक्ड। बिल्कुल अपने बात की थी कि साहब जो जिम्नोस्पर्म है उनके सीड नेक्ड है वो किसी फ्रूट में के अंदर नहीं पाए जाते जिससे इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी लिमिटेड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो आंसर आपका क्या होगा थर्ड। भाई नेक्स्ट सीड होते हैं फ्रूट में, अगर बेटा सीड हो तो फ्रूट का क्या होता है कि वहां डाइसेंस होता है जब स्पुटन होता है तो बीजों को बिखेरता है। बिल्कुल और आप जानते हैं प्रकीर्णन की और भी कई विधियां आती है डिस्पर्सल की सीड डिस्पर्सल की। बिल्कुल तो जिम्नोस्पर्म में वो चीजें नहीं है और आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म भी ज्यादातर जो कोल्डर क्लाइमेट होते हैं थोड़े ठंडे प्रदेश में मैंने कहा था टेम्परेट एरियाज में तो वहीं पर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ जानते हैं कि सीड आर नेक्ड। क्वेश्चन का आंसर थर्ड आपका हो गया। बिल्कुल नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लोइड इन जिम्नोस्पर्म। तो निम्न में से कौन सा एक आवर्त बीजों में अगुणित है। बेटा अनावर्त बीजों में कौन सा अगुणित है। बिल्कुल अनावर्त बीजों में अगुणित है तो सीधी सी बात आपका लाइफ साइकिल में कि इनके लाइफ साइकिल के अंदर मैन प्लांट बट स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट चाहे रूट स्टेम लीफ सब टू एन है डिप्लॉइड है। फिर मेगा स्पोरोफिल माइक्रो स्पोरोफिल वो सब टू एन है। बिल्कुल स्पोरेंजियम जब तक मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर नहीं बने जब तक मियोसिस नहीं हो तब तक तो स्पोरिक मियोसिस होती है। बिल्कुल वहां आप जानते हैं कि जो मेल कोन है या आप जानते हैं मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजियम है। बिल्कुल तो वहां माइक्रोस्पोर मदर सेल है स्पोरिक मियोसिस होगा तो वहां बनेगा माइक्रो स्पोर तो माइक्रोस्पोर और फीमेल के अंदर आपका बनेगा मेगा स्पोर। तो ये यहां से हैप्लोइड स्ट्रक्चर आएगी यहां से शुरुआत। अब ये मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन डेवलप करेगा और ये फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा। अब उस गैमेटोफाइट जो यहां आप जानते हैं कि मेल गैमेटोफाइट तो 4-5 सेल है यहां पे। बिल्कुल और एनजी में तो और रिड्यूस हो जाएगा 2-3 सेल ही रह जाएगी। और मेगा स्पोर यहां पर आप जानते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट यहां पर कुछ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ही होता है। बिल्कुल बाकी वहां तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होता है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में तो सीधी सी बात है देखो पोलन ग्रेन एन हो जाएगा मेगा स्पोर एन हो जाएगा लेकिन रूट का प्रोडी क्या है 2N क्योंकि स्पोरोफाइट में आ गया काइक भाग है वो तो। बिल्कुल वेजिटेटिव पार्ट है पोलन ग्रेन एन हो गया मेगा स्पोर एन हो गया लेकिन न्यू सेलस क्या होता है 2N ओव्यूल में न्यू सेलस तक 2N है मेगा स्पोर मदर सेल तक 2N ही होगा। मेगा स्पोर मदर सेल रूट एंड लीफ तो सारे क्या है 2N है। एंडोस्पर्म हाँ क्योंकि खास बात है जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म निषेचन से पहले फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलप हो जाता है। बिल्कुल फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है तो आप समझ सकते हैं कि एन पोलन ग्रेन सेल भी क्या है एन और मेगा स्पोर भी क्या है एन तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स निम्न कथनों को पढ़िए जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज टॉल ट्री। बिल्कुल शर्ब बिल्कुल हर्ब्स नो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हर्ब्स नहीं पाए जाते। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बात है निडल लाइक लीव्स होने से क्या होगा सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इनिशियली डेवलप इन माइक्रोस्पोरेंजियम रिड्यूस्ड है तो उसी में डेवलप होगा। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म आर ट्रिप्लोइड नहीं ये यहां पे क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया जिम्नोस्पर्म के अंदर एरी होता है। बिल्कुल तो आप समझ रहे हैं कि भी अपन ने शुरू में डिस्कस किया था कि ये ट्री नेचर शो करते हैं वृक्ष प्रकृति है इनमें ऑलमोस्ट कुछ एक आधे एक्सेप्शन है जो सर्व है झाड़ियां निटेल ऑर्डर के बाकी ट्री नेचर ही है चाहे मीडियम साइज या टॉल ट्री हो और इसलिए गलत हो गया। कॉनिफर में निडिल लाइक लीव्स सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है उस पर थिक क्यूटिकल भी होता है सनकेन स्टोमेटा भी तो आप जानते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको कम कर देती है कम से कम सरफेस एरिया भी कम होगा तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाष्पोषण के थ्रू जो जल की हानि होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये आपका करेक्ट है मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इनिशियली आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल करेक्ट उत्तर एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है। बिल्कुल क्लियर तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि जो स्टेटमेंट अपने हैं दो सही है दो ही गलत है दो गलत है तो आंसर यहां पे अपना हो गया फर्स्ट करेक्ट है आंसर विल बी फर्स्ट फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 द डिवीजन ऑफ प्लांट्स इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स टर्मिनेट्स विद द सफिक्स स्पर्म इट मीन्स दैट बोथ प्रोड्यूस पादपों का अनावर्त बीजी तथा आवर्त बीजी में विभाजन पूर्व लग्न स्पर्म पर समाप्त होता है। इसका तात्पर्य यहाँ पर स्पर्म का मतलब किससे है मोटाइल स्पर्म नॉन मोटाइल स्पर्म ओव्यूल एंड सीड या स्पोरोफिल। सीधी सी बात है यहाँ पर ओव्यूल और सीड पहले डिस्कस कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है कि भी स्पर्मेटोफाइटा जो बीज धारण करते हैं उसके लिए यहाँ पर स्पर्म आता है न कि किसी
गैमेट के लिए गैमेट के लिए आता है बिल्कुल यस। तो यहां पर ओव्यूल और सीड का प्रेजेंस, सीड ओव्यूल से बनता है बिल्कुल है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन इज द डिफरेंस, व्हिच वन इज डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म ओव्यूल, बीजांड में जो अंतर, बीजांड में क्या अंतर। हां तो यहां देखिएगा कि इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल डिप्लॉयड व्हाइल इन जिम्नोस्पर्म इट इज हैप्लोइड, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ओव्यूल तो डिप्लोइड ही होता है, दोनों में डिप्लोइड होता है, जो उसमें जो न्यूसलस होता है वो डिप्लोइड ही होता है बिल्कुल। जब तक मेगास्पोर मतलब सेल में स्पोरिक म्यूसिस नहीं होगा तब तक वो हैप्लोइड नहीं होगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा, इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल कंटेन हैप्लोइड एंडोस्पर्म एंड इन जिम्नोस्पर्म इट कंटेन ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, नहीं एंजियोस्पर्म जो है उसमें तो होता है ट्रिप्लोइड और जिम्नोस्पर्म जो है उसमें होता है हैप्लोइड होता है बिल्कुल। और क्योंकि अपन बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन ही बन जाता बिल्कुल, जबकि एनजीओ के अंदर क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू, त्रिसलेन होगा वहां पर तो वो ट्रिप्लोइड होगा बिल्कुल। और इन एंजियोस्पर्म माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट व्हाइल इन जिम्नोस्पर्म माइक्रोपाइल एब्सेंट, ऐसा नहीं है, ओव्यूल है तो माइक्रोपाइल है बिल्कुल, और जब वो सीड में डेवलप होगा तो भी माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगी बीजांड द्वारा बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल कंटेन ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म एंड इन जिम्नोस्पर्म इट कंटेन हैप्लोइड एंडोस्पर्म बिल्कुल। हाँ तो जो ओव्यूल मेगास्पोर एंजाइम होती है उसमें न्यू सेल से पहले मेगास्पोर मदर सेल, फिर स्पोरिक म्यूसिस मेगास्पोर, फिर मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, तो वहां बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है जिम्नो में और ओव्यूल आपका होता है हैप्लोइड हैप्लोइड, जबकि एनजीओ में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है और क्या होता है ट्रिप्लोइड बिल्कुल। क्लियर, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, पॉली एम्ब्रियोनी में प्रेजेंट इन बहुप्रौढ़ता निम्न में पाई जा सकती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बिल्कुल कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट में होते हैं और सेंट्रल फैमिली में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में पाई ही जाती है, टेनोफाइटा में नहीं होती है, तो आंसर यहां पे हो गया आपने बोथ 1 एंड 2 बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड, सीधी सी बात है पॉली एम्ब्रियोनी, क्योंकि यहां अपन जिम्नोस्पर्म में बात करेंगे कि जब फीमेल गैमेटोफाइट से आर्किगोनिया डिफरेंशिएट होगी तो यहां पे आर्किगोनिया एक से ज्यादा होती है हां, और हर आर्किगोनिया एम्ब्रियो बनता है, ये आपके आर्किगोनिया इसमें एक सेल है बिल्कुल। अब यहां पे भाई कार्पल तो होती नहीं तो स्टिग्मा तो है नहीं बिल्कुल, और ये यहाँ पे आपका बन जाता है पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर, तो ये पोलन चैम्बर है, तो यहाँ पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं बिल्कुल। तो इनके पोलन ग्रेन में जो पोलन ट्यूब डेवलप होती है वो ऐसे ब्रांच्ड होती है, तो टू मेल गैमेट बिल्कुल, जैसे वो पोलन ग्रेन टू मेल गैमेट से लेकर आएगी तो दोनों आर्किगोनिया के एक्सल को फ्यूज कर देगी तो दो जायगोट, तो यहाँ पोली एम्ब्रियोनी कॉमन होती है जिम्नोस्पर्म में, तो कैरेक्टर है ये हाँ बिल्कुल, जिम्नोस्पर्म में कॉमन होती है जबकि एंजियोस्पर्म में ओनली सिट्रस में, यस, जहाँ एडवेंटियस एम्ब्रियोनी होती है बिल्कुल, एपोमिक्सिस अपन वहाँ एक टॉपिक पढ़ते हैं बिल्कुल। क्लियर, तो आप समझ रहे हैं कि बहुत आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्मड बाय अनावृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष का निर्माण होता है, फ्यूजन बिटवीन ए मेल गैमेट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, ये जो है वो एंजियोस्पर्म में होता है न कि जिम्नोस्पर्म में होता है, फ्यूजन बिटवीन ए मेल गैमेट एंड वन पोलर न्यूक्लियाई नहीं, ऐसा कभी किसी में नहीं होता, फ्यूजन बिटवीन एग एंड ए मेल गैमेट इससे जायगोट बनता है एंजियोस्पर्म में, जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर बिल्कुल, जो मेगास्पोर है उसके जर्मिनेशन से क्या होता है सीधा एंडोस्पर्म बनता है। बार बार अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन हो गया बिल्कुल, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो मेगास्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट यानी वो एंडोस्पर्म ही डेवलप करेगा बिल्कुल, और फिर उससे ही आपकी डिफरेंशिएट आर्किगोनिया आर्किगोनिया, तो आप समझिए बिफोर फर्टिलाइजेशन ही आपका डेवलप हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो गया 4-4, बल्कि वहां पर देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो डबल फर्टिलाइजेशन, तो वहां दो इवेंट होती है सिनगेमी, सिनगेमी तो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, एक मेल गैमेट और वन फीमेल गैमेट एक सेल, यस। तो आप समझ रहे हैं कि बेटा कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो 2n जायगोट, वो तो सिनगेमी होती है ट्रू फर्टिलाइजेशन, और वहां पर एक मेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट एन और टू पोलर न्यूक्लियाई जो फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस वहां बनता है 2n, तो n और 2n 3n एंजियोस्पर्म में, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ट्रिपल फ्यूजन जिसको अपन बोलते हैं, और कंबाइनली अपन कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, वो कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है एंजियोस्पर्म का होता है। तो यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद साइकस, निम्न में से कौन सा कथन साइकस से संबंधित नहीं है, contain compound persistent leaf species, symbiosis with nostoc and anabina, more than one archegonia, their female cone are made up of compact ovule ovuliferous leaves। बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साइकस जो है इसके अंदर मेल कोन होता है, फीमेल कोन absent, फीमेल कोन absent होता है, मेल कोन यहाँ पे आंसर हो गया 4, यहाँ पे नहीं होता, ये नहीं हो सकता है बिल्कुल भाई। देखो
कंपाउंड परसिस्टेंटली जो शुरुआत और बात की थी अपन ने, बिल्कुल जो तीन चार स्थिर लगन बिल्कुल जो संयुक्त पत्तियों में होती पिन्नेट, बिल्कुल पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती है, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, सिम्बायोसिस कोरलोस्टो कहने बिना जो कोरलोइड रूट होती है, बिल्कुल मोर देन वन आर्किगोनिया जिम्नोस्पर्म में होती होती है वो दो, बिल्कुल। तो ये आपका आंसर क्या होगा, फोर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट पेयर ऑफ प्लांट कंटेन हैप्लोइड एंडोस्पर्म। तो हैप्लोइड एंडोस्पर्म जो है ये अपने को शो कर रहा है किसको, जिम्नोस्पर्म को, इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म है, तो पाइलस साइकस दोनों जिम्नोस्पर्म है, पी एंड ल्यूपिन ये यहाँ पे हो गया एंजियोस्पर्म, लिलियम एंड पाइनस, तो पाइनस तो यहाँ पे जिम्नो है, लिलियम यहाँ पे एनजी हो गया, सिलेजिलेला एंड पाइनस टेडो जिम्नो हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ही एंडोस्पर्म एन होता है, हैप्लोइड होता है, हैप्लोइड होता है, एनजी में ट्रिप्लोइड होता है, बार बार बात कर चुके हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट नंबर ऑफ सिमिलर फीचर्स इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल। तो टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी पौधों में समान लक्षणों की संख्या का अपन को चुनाव करना है, उन दोनों रिसेंबल अपन को करना है, बोथ आर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, बिल्कुल सही है, टेरिडोफाइटा में भी टू एंड प्लांट बॉडी होती है और जिम्नोस्पर्म में टू एंड प्लांट बॉडी, यानी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, बिल्कुल डोमिनेंट फेज होती है, जो इनका डोमिनेंट फेज होता है, बोथ हैव आर्किगोनिया एज फीमेल सेक्स ऑर्गन, बिल्कुल सही है, दोनों में आर्किगोनिया प्रेजेंट होगी, बिल्कुल, और बोथ हैव एंथिडियम, ये गलत है, ये टेरिडो में है, टेरिडो में, जिम्नो में नहीं, जिम्नो में बिल्कुल एंथिडियम नहीं होता है, जो मेल कोन होता है तो फिर वहां आप जानते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम में, फिर माइक्रोस्पोरा पोलन ग्रेन फॉर्म, पोलन ग्रेन वहां बन जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि एंथिडियम नहीं है वहां पे, बिल्कुल क्लियर। बोथ रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये गलत है, गलत, टेरिडोफाइटा को रिक्वायर्ड होता है, जिम्नो को नहीं होता, जिम्नो और एनजीओ को वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं, साइफन वगैरह होती है वहां पर, और गैमेटोफाइट वहां पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं करता है, वहां नहीं करते, बिल्कुल स्वतंत्र निर्भर नहीं है, क्योंकि ब्रायोटेरिडो की तरह जिम्नोस्पर्म में युग्मोद्भिद बीजाणुद्भिद पर Completely dependent है। Gametophyte depend on sporophyte, बिल्कुल। Yes, तो आप जानते हैं कि ये भी wrong हो गया। Both have independent sporophytic with true root stem leaves। ये correct, बिल्कुल सही है। भई sporophytic होगा, वो free living है दोनों में, बिल्कुल। और root stem leaves, यानी diploid आपकी nature आपकी होगी, तो ये आपका E सही है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि answer second आपका हो गया, बिल्कुल। Next आप देखिएगा question number 21। Plant contain minimum number of cell in male gametophyte। किसके अंदर, मेल गैमेटोफाइट में मिनिमम नंबर ऑफ सेल होते हैं, यूलोथ्रिक्स, पाइलस, मार्केंशिया, सिलेजिनेला। तो अपने को पता है कि जिम्नोस्पर्म जो है सबसे ज्यादा रिड्यूस तो एंजियोस्पर्म होता है, हाँ। लेकिन यहाँ पे एंजियोस्पर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे आंसर आ गया जिम्नोस्पर्म मतलब पाइलस। भाई मेल गैमेटोफाइट पूछा है, बिल्कुल, तो मेल गैमेटोफाइट पूछा है, तो माइक्रोस्पोर से जो मेल गैमेटोफाइट बनता है वो पाइनस में 4-5 सेल होता है, बिल्कुल 4-5 सेल, कभी 4-6 सेल भी दे देते हैं, बिल्कुल। तो आप जानते हैं 4-5 कोशी की मेल गैमेटोफाइट होता है, हाईली रिड्यूस होता है, बिल्कुल। और एंजियोस्पर्म में तो 2-3 सेल, जो पोलन ग्रेन होता है परागण नरिगमोद, वो 2-3 कोशी की होता है, जनरली बिफोर 2 और आफ्टर 3 हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे हासित नरिगमोद भी तो होता है एंजियोस्पर्म में, बिल्कुल। उसके बाद आपका जिम्नो में भी हासित ही होता है 4-5 सेल का, है ना। इनमें तो आप जानते हैं कि मल्टी सेलर होता है, आप समझ रहे हैं, ये तो एल्गी हो गया, ब्रायोटेरिड हो जाता है, तो आपका आंसर विल बी सेकंड, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए, गिंगो बायलोबा एंड साइकस आर लिविंग फॉसिल। ओके, पाइनस एंड गिंगो हैव लॉन्ग एंड ड्वार्फ शूट, साइकस कंटेन सिंपल परसिस्टेंट लीव्स, ओफियोग्लोसम इज ए फन प्लांट। तो यहाँ पे गलत कथन का आपको यहाँ पर चुनाव करना है, ओके देखिए सर, तो आप ध्यान दीजिएगा कि भी स्टेटमेंट में यहाँ पर आया कि देखो 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, ओफियोग्लोसम एक फर्न है, साइकस कंटेन सिंपल, ये गलत है क्योंकि कंपाउंड परसिस्टेंट लीफ होती है, मैंने आपको बताया था पिन्नेट संयुक्त पत्तियां होती है, पिन्नेट पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां होती है, और पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां कुछ फर्न में भी है, और बट आप जानते हैं कि जो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती है वो साइकस में आपकी प्रेजेंट होती है, तो यहाँ कंपाउंड होगी। पाइनस एंड गिंगो हैव लॉन्ग एंड ड्वार्फ सूट, बिल्कुल सही, बिल्कुल पाइनस में लॉन्ग सूट होगा, गिंगो में क्या होगा, ड्वार्फ सूट होगा, वहां फैन सेप्ड लीव्स होंगी, बिल्कुल है ना। और गिंगो बायलोबा एंड साइकस जो आप जानते हैं कि लिविंग फॉसिल्स के लिए यहां पर बता दिया, बिल्कुल। तो आप समझ रहे बेटा कि 100% जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो थर्ड आपका स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स आर ट्रू लैंड प्लांट, देयर सर्वाइवल ऑन लैंड बिकम पॉसिबल बाय प्रेजेंस ऑफ अनावर्त बीजी तथा टेरिडोफाइट्स सत्य स्थलीय पादप है, उनकी स्थल पर उत्तर जीविता किसके द्वारा संभव है, सेक्सुअल ऑर्गन, वेस्कुलर टिश्यू, स्टोबिलस या फिर माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल। तो आंसर यहां पे हो गया वेस्कुलर टिश्यू, इनमें अपन कह सकते हैं कि साफ ट्रू टाइप के जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, जिससे ये अगर हाइट पर भी है
तब इनके पास में वोटर जो है वो पहुंच जाता है। बिल्कुल भाई, अगर ट्री मतलब कोई भी वृक्ष की बिल्कुल रूट स्टेम लीव्स वास्तविक रूप से जड़ तक तना पत्ती आना था बिल्कुल, उसके लिए वैस्कुलराइजेशन जरूरी था, जरूरी था। और इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग स्तनी पादपों के लिए जो पहली आवश्यकता थी वैस्कुलराइजेशन ही था, समनीकरण, ताकि आप जानते हैं कि भी वो सोयल से जो वाटर मिनरल को अब्जॉर्ब करें तो उनको लॉन्ग डिस्टेंस यानी जो अपवार्ड करके और अपने लीव्स तक पहुंचा सके। बिल्कुल, तो उसके लिए आप जानते हैं कि वैस्कुलेशन जरूरी था, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू। बिल्कुल करेक्ट आंसर। और वैस्कुलेशन की जो प्रोसेस है यानी सबसे पहले टेरिडोफाइटा से टेरिडोफाइटा में, हाँ बिल्कुल भाई, टेरिडोफाइटा प्रथम समनी पादप पृथ्वी के ऊपर है ना, चाहे वो लिविंग हो चाहे फॉसिल हो, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वैस्कुलर प्लांट आर टेरिडोफाइट्स। अपन टेरिडोफाइटा भी डिस्कस कर चुके हैं। और सवन उत्तक आए तभी जड़ तना पत्ती आई, और जड़ तना पत्ती थी प्लांट हाइट ली बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं उसका बॉडी ऑर्गेनाइज्ड हुआ, संगठित हुआ, और वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हुई, कायिक वृद्धि हुई। उसके पश्चात आप जानते हैं कि जननिक परणे यानी स्पोरोफिल्स या फिर कोन या फिर फ्लावर की उपस्थिति आई। बिल्कुल, तो वैस्कुलर आपके टेरेडो जिम्नो एनजियो ये वैस्कुलर प्लांट आपके होते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट मिसमैच पेयर असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए, साइकस अनब्रांच स्टेम, पाइनस कोरालोइड रूट, लाइकोपोडियम माइक्रोफिलस, मार्केंशिया यमक। तो बिल्कुल अपन यहां पे कह सकते हैं कि साहब जो पाइनस है इस पाइनस के अंदर कोरालोइड रूट नहीं पाई जाती, इसमें माइकोराइजा पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कहा था ना, हां साइकस में देखिएगा कि अनब्रांच स्टेम, मैं अपने बताया था कि साइकस में बिल्कुल अनब्रांच स्टेम होता है, बिल्कुल, और पाइनस में ब्रांच सिलेंड्रिकल होता है, ये टैप रूट होती है, टैप रूट सिस्टम आपका होता है, और यहां जो लीव्स का क्राउन होगा वो वहीं होगा, अनब्रांच स्टेम होगा, अनब्रांच, तो उसको आप कहोगे ना स्यूडोपाम साइकस, और पाइनस में ब्रांच स्टेम होता है। बात को समझ रहे हैं, तो फर्स्ट आपका 100% करेक्ट है, सेकंड कोरालोइड रूट साइकस का इंपोर्टेंट करेक्ट है, पाइनस का है, पाइनस का नहीं है बिल्कुल। और लाइकोपोडियम माइक्रोफिलस मीन है कि लाइकोपोडियम में स्टेम के कंपैरिजन में स्मॉल स्मॉल लीव्स आपको टेरिडोफाइटा में बताई थी ना, लघु प्रणी गुरु प्रणी वो कायिक पत्तियों की बात बताई थी आपको, और फिर एडवेंटियस रूट आपको बताई थी, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन फिर मार्केंशिया में जेमा कप होती ही है, तो यहाँ का सेकंड आंसर हो गया बिल्कुल। हाँ, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 25, चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन कीजिए, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म हैज वन आर्किगोनियम, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल एक से ज्यादा आर्किगोनिया होती है, और इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अपने कहा था कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा की तरह जो फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जिम्नोरेंजियो में नहीं होता है, क्योंकि जिम्नोरेंजियो में जो गैमेटोफाइट है वो 100% किस पे डिपेंड होता है, स्पोरोफाइट पे, स्पोरोफाइट प्लांट से तो अटैच होगा और उसी पे वो क्या होता है डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि गैमेटोफाइट वहां पर स्पोरोफाइट से अटैच होगा और उस पे डिपेंडेंट होता है। पोलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म कैरिड आउट बाय एयर, हां जिम्नोस्पर्म में एनिमोफिली होता है, एयर पोलिनेशन आपका होता है, एयर पोलिनेशन होता है बिल्कुल। इन साइकस मेल एंड फीमेल कोन आर बोर्न एंड सेम ट्री, बट इन पाइनस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि जो फीमेल कोन है वो साइकस में क्या होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा, तो ये रॉन्ग आपका स्टेटमेंट हो गया। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड, और पूरे जिम्नोस्पर्म में वायु परागणी होता है बिल्कुल, एयर पोलिनेशन एनिमोफिली होती है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड ट्रीज एंड शर्ब प्लांट्स, बिल्कुल सही है, कोरालोइड इज सिंबायोसिस रिलेशन बिटवीन फंगस एंड साइकस, तो यहां पर जो कोरालोइड है उसमें बीजी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, तो यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। जिम्नोस्पर्म आर एडॉप्टेड फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड वाइन, बिल्कुल सही है, पिनेट एंड परसिस्ट लीव्स फाउंड इन साइकस, बिल्कुल ये सही है, तो आप समझ रहे हैं कि आपसे पूछा क्या रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गया सेकंड ऑप्शन, क्लियर, और बाकी सारे आपको अपन क्लियर करा चुके हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, अपन देखते हैं सर कि जो जिम्नोस्पर्म है उसके दो सब डिवीजन है, साइकेडोफाइटा कोनिफेरोफाइटा, साइकेडोफाइटा तो प्रिमिटिव है आदिम है, और कोनिफेरोफाइटा एडवांस है बिल्कुल। अब कोनिफेरोफाइटा में वहां पर आप समझ सकते हैं कि कोनिफेरल्स भी आता है तो सबसे बड़ा ऑर्डर है, लेकिन उसमें एडवांस ऑर्डर क्या आता है निटेल्स, क्योंकि निटेल्स में कुछ ऐसे करेक्टर है जो एंजियोस्पर्म में होते हैं, जैसे वेसल्स का पाया जाना, वेसल्स का पाया जाना ये निटेल का करेक्टर है और वो एंजियो में भी होता है, तो कनेक्टिंग लिंक वहां पर क्या है निटेल्स बिल्कुल।
क्लियर, जो एडवांस ऑर्डर है निटम, वेलवेसिया, एफिडरा, बिल्कुल क्लियर। और अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जिम्नोस्पर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ये बार-बार डिस्कस कर चुके हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरम। बिल्कुल, अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेगास्पोरम उस पर रिटेन रहता है। द जिम्नोस्पर्म आर हेटरोस्पोरस। बिल्कुल, अपने को पता है कि जो टेरिडोफाइटा है वो होमो हेटरो दोनों होते हैं, लेकिन जिम्नो और एंजियो कंप्लीटली कैसे होते हैं, हेटरोस्पोरस होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो ए एंड सी आप कहते हैं कि भाई ए तो गलत है, हाँ। यहाँ पर सीधी सी बात है कि बी एंड सी सही है, लेकिन ए क्या है, गलत है। आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल सही है भाई, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेटरोस्पोरस हैं, वो सारी बात सही है, है ना। लेकिन आप जानते हो पहला स्टेटमेंट 100% क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म। निम्न कथनों पर आवर्त बीजियों के संदर्भ में विचार कीजिए। क्वेश्चन यहां पे अपने पास एंजियोस्पर्म का है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज स्टेमन। बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इज अकर्स जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। नो, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन तो जिम्नो में होता है, नहीं कि एंजियोस्पर्म में होता है। इन एन एम्ब्रियो सैक द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लोइड। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, डिप्लोइड है। ये अपने पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिल्कुल। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। बिल्कुल सही है, अभी एंजियोस्पर्म में होता ही है। तो अपन यहां पे कह सकते हैं इसमें ए तो है करेक्ट, बी यहां पे रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी करेक्ट है। तो करेक्ट यहां पे कौन से हो गए, ए एंड डी। बिल्कुल, तो सीधी सी बात है बेटा, देखो अपने बताया था कि जैसे जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस जो मेल कोन की काई माइक्रोस्पोरोफिल है, वैसे ही एनजीओ में फ्लोवर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्लोवर में मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम, जिसकी यूनिट होती है स्टेमन, स्टेमन जो माइक्रोस्पोरोफिल के तुल्य है। बिल्कुल, माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोर के एनालॉगस है स्टेमन। बिल्कुल, जो मेल सेक्स सिंगल मेल सेक्स ऑर्गन आपका हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म अकर जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, नहीं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, दोहरा निषेचन, त्रिसलिन यहां का करेक्ट है। इन एम्ब्रियो सैक द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लोइड, नहीं ट्रिप्लोइड होता, ट्रिप्लोइड होता है, थ्री होता है, हां बिल्कुल। और आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। बिल्कुल, तो आपका सही है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एंजियोस्पर्म आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द सीड इंक्लोजन ओवरी। बिल्कुल सही बात है, एंजियोस्पर्म का जो पृथ्वी के ऊपर जो वितरण है वो ज्यादा है, ज्यादा इसलिए कि भाई वहां ओवरी वाल से कवर्ड है, तो फ्रूट पेरिकार बनेगा, और फ्रूट आप जानते हैं जब डाइसेंस होगा फटेगा तो डिस्पर्सल सीड का काफी दूर तक सीड जाते हैं। हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि ये भी है कि एंजियोस्पर्म आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज सीड एंक्लोज इन ओवरी। बिल्कुल, सीधी सी बात है कि उनके जो सीड होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर एंक्लोज बाय फ्रूट। बिल्कुल सही, डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। बिल्कुल 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 करेक्ट है। इन एंजियोस्पर्म ईच सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज डिप्लोइड। ये गलत बात है कि एम्ब्रियो सैक तो उनका फीमेल गैमेटोफाइट होता है। बिल्कुल, और फीमेल गैमेटोफाइट में तो ये जो एग सेल होती है, ये सिनर्जिड होती है, ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं, या पोलर सेल पोलर न्यूक्लियस होते हैं, वो हैप्लोइड होते हैं। बिल्कुल, इन एंजियोस्पर्म द जायगोट डेवलप्ड इनटू एन एंडोस्पर्म। ये गलत है, जायगोट से तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनता है, जायगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो एम्ब्रियो आपका बनेगा। तो यहां पर डी ई गलत है, और बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भाई ए बी सी आर करेक्ट सही है और डी ई के आपके गलत है, आंसर आपका ही हो गया थर्ड ऑप्शन। तो बिल्कुल बेटा, आप यहाँ अपने जिम्नोस्पर्म को थोड़ा एनजीओ को डिस्कस किया, आप एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन उस मैटर को आप क्लियर करें, फिर क्वेश्चंस को आप करें, और बहुत ही अच्छे से अपने प्लांट किंगडम यानी प्लांट डायवर्सिटी को 7 वीडियोज में अपने कंप्लीट किया है। बिल्कुल, अब अपने जो नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड होंगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, तो फ्लावरिंग प्लांट अपन ओनली अब एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाह्य आकार की फ्लावरिंग प्लांट रूट स्टेम लीव्स, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो एनाटॉमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसका अपन डिस्कस करेंगे। तो आगे आप कंटिन्यू उनको एनसीईआरटी से आप अच्छे से रीड करें और बिल्कुल एंजॉय करें, बहुत अच्छे से आपके सिलेक्शन में गुरुनीति सहायक होगी सीएलसी की, और सीएलसी हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी फर्स्ट की, जिसमें हम रूट एंड स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप रूट और स्टेम अच्छे से पढ़ के आए। थैंक यू।